लाल सागर में अब हूती विद्रोहियों की खैर नहीं होगी। भारतीय नौसेना ने लाल सागर में लगातार वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमले के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कई देशों के वाणिज्यिक जहाजों पर ड्रोन हमले किए। यमन के हूतियों का आतंक अब चरम पर है। जहाजों पर अनैतिक कब्जा और ड्रोन से हमला कर हूती विद्रोही अपने दुश्मनों की संख्या बढ़ा रही है। इनके आतंक से भारतीय जहाज तक परेशान है, क्योंकि इनके कारण समुद्री क्षेत्र में असुरक्षित माहौल पैदा हो चुका है, जिसके कारण चिंताएं समुद्र में लगातार बढ़ रही हैं। अब तक भी हूती विद्रोहियों ने शांति का कोई संकेत नहीं दिया है। नतीजन भारत समेत कई देश अपने अपने बेड़ों में इजाफा कर इनकी तैनाती करने में जुट गए हैं। कुल मिलाकर यमन के हूती विद्रोहियों का लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाने का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। अमेरिकी नौसेना के शीर्ष कमांडर ने भी ये कह दिया है कि हूती विद्रोहियों का लाल सागर में वाणिज्यिक के जहाजों पर अपने लापरवाह हमलों को रोकने का कोई संकेत नहीं दिखाया है। नतीजन अब भी समुद्र में खतरा बरपाया हुआ है और इस खतरे से निपटने के लिए सभी देश मिलकर इनका सामना कर रहे हैं। समुद्र में जहाजों की रक्षा के लिए सैन्य अभियान जोर पकड़ सकता है, ये बात अमेरिका के वाइस एडमिरल ब्रेट कूपर ने कहा है। ब्रेट कूपर ने कहा कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन की घोषणा सिर्फ 10 दिन पहले की गई थी। तब से लेकर 1200 मालवाहक जहाज लाल सागर क्षेत्र से यात्रा कर चुके हैं। हालांकि हूती विद्रोहियों ने अब तक जहाजों को ड्रोन या मिसाइल हमलों से प्रभावित नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस ऑपरेशन में और भी कई देशों के शामिल होने की संभावनाएं हैं, लिहाजा हूतियों का सामना करने के लिए सारे देश मिलकर एक साथ आ गए हैं। कूपर ने इस अंतर्राष्ट्रीय चुनौती करार देते हुए कहा कि सामूहिक कार्यवाही की जानी चाहिए। पांचवें बेड़े के प्रमुख कूपर ने कहा कि वर्तमान में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के 5 युद्धपोत दक्षिणी लाल सागर और अदन की पश्चिमी खाड़ी में गश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद से जहाजों ने कुल 17 ड्रोन और 4 जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। यानी हूतियों ने अब तक जितने भी हमले किए उनका मुकाबला मुस्तैदी से अरब सागर में किया गया है। अरब सागर में हूतियों के हर एक वार का प्रतिकार हो रहा है और ये संघर्ष भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ने भी पिछले दिनों अरब सागर की तरफ अपना अतिरिक्त बेड़ा समुद्र में लगा दिया था। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने और हूतियों को खदेड़ने के लिए हर मोर्चे पर सभी देशों के बेड़े तैयार हैं। अब तक यमन के हूती विद्रोहियों के कई हमलों को रोका जा चुका है, जो आगे भी जारी रहने वाला है। इन सभी को समुद्री सुरक्षा देने के लिए भारत भी प्रतिबद्ध है। अब लाल सागर में भारतीय नौसेना के अभियान से हूती विद्रोहियों में खलबली मची है। यानी समुद्र में पहले से तैनात ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के जहाजों को अब भारत का भी साथ मिल गया है, जिससे हूती विद्रोहियों में जबरदस्त हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।